और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास 100-200 युवा आए, कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। 20-25 युवाओं कि आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मुझे कहते, राहुल जी, हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा जो सपना पूरा था, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं, तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है, ना तुम इधर के ना तुम उधर के। 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी।